हेलो स्वरोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। मैं आज आपको बताने वाला हूं न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस के बारे में, जिसकी वजह से कई सारी कंट्रीज ने इंटरनेशनल फ्लाइट को बैन कर दिया। इवन सऊदी अरब ने, ओमान ने, इंडिया ने भी, कुवैत ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट को बैन कर दिया है। उसका रीजन क्या है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से है। ये यूके से एक नया तरीके का कोरोना वायरस जो कि 70% ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, कई सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, और ये यूके से आया हुआ है। इसलिए आप अगर न्यूज देखेंगे तो अलग अलग कई सारे कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज ने यूके को बैन कर दिया, अपने बॉर्डर को सील कर दिया है कि यूके से आने वाले या यूके ना जाए, इस तरह की जो फ्लाइट्स हैं वो सारी बैन कर दी गई हैं। इंडिया से भी 23 कंट्रीज में जो एयर बबल सिस्टम चालू किया गया था उसमें एक यूके भी था, और सऊदी अरब में हर कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट बैन कर दी गई हैं। इवन ये एक हफ्ते के लिए डिसीजन लिया गया है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जानकारी मिल रही है कि क्या ये कोविड की वैक्सीन जो बनाई जा रही है ये न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस में असर करेगी, ये ज्यादा इन्फेक्शियस है जो, क्या उस पर असर करेगी। तो उनका कहना है हाँ ये भी असर करेगी, लेकिन ये जो वायरस है वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये यूके से आने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा फैल रहा है। तो इंडिया में भी 31 तारीख तक के लिए 21 दिसंबर को रात के 1 बजे से, मीन्स की 22 दिसंबर आप समझिए मॉर्निंग की 1 बजे से फ्लाइट बैन कर दी गई हैं। जो यूके से आने वाले लोग उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिन के लिए क्वारंटाइन की गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो यूके से लोग आ रहे हैं तो उनको 15 दिन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि जिस तरह से कोरोना वायरस हमारे इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण फैले हुए हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट हो चुके हैं और 1,45,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, तो अब ये वायरस और ज्यादा फैले। तो इस तरह सऊदी अरब ने तो ये ऐलान किया है कि 1 हफ्ते तक हम बैन रखेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि खोलना चाहिए या नहीं, मतलब कि 1 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। जो पहले मैंने वीडियोज बनाए हैं उसमें मैंने ये बात बताई थी कि सऊदी अरब से अभी जो फ्लाइट चालू करने का प्लान है 1 तारीख को, तो हो सकता है, मैं बार बार बता रहा था और फिर से बता रहा हूं कि हो सकता है वो फ्लाइट जो है बढ़ा दी जाए और इंडिया के लिए अभी भी न खोली जाए फ्लाइट, क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि यूके और यूरोप के जो कंट्रीज हैं, इटली में और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इन कंट्रीज को, कई सारी अलग अलग कंट्रीज ने बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ओमान ने भी फ्लाइट बैन कर दी गई, ओमान से आना जाना इंडिया का बैन है, 31 तारीख तक के लिए ये बैन कर दिया गया है। सऊदी में भी बैन है, कुवैत ने भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट बैन कर दी गई है। तो इस तरह से कई सारी अलग अलग कंट्रीज में फिलहाल फ्लाइट बैन हो गई है। तो 1 हफ्ते बाद क्या डिसीजन आता है ये आपको देखना है, वेट करना है। तो आने वाले वक्त में अभी दुबई जैसे कि ओपन है, हो सकता है कि इंडिया में जैसे कि यूके से एयर बबल सिस्टम चालू है और वहां से यूके से अगर लोग इंडिया आएंगे तो जो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस है उसका संक्रमण अगर मिलता है तो हो सकता है इंडिया की फ्लाइट फिर से बैन हो जाए दुबई के लिए, एयर बबल भी अग्रीमेंट खत्म कर दे, ये भी हो सकता है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक प्रिपरेशन है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर जो हर्षवर्धन है उन्होंने ये बताया है कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, जो कोविड की वैक्सीन है वो इस वायरस पे भी असर करेगी, और सऊदी अरब ने भी ये बात कही है। और लेकिन सऊदी अरब ने ये भी बात कही है कि जब तक हम इस पे जीत नहीं हासिल कर लेते हैं, या जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे, या जब तक इस वायरस पे हम वैक्सीन का असर नहीं दिखा देंगे, तब तक अभी फ्लाइट ओपन करने का कोई इरादा नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है चल रही है, इस तरह की बातें हो रही है, प्लानिंग आगे क्या होगी हम आपको वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जो जानकारी देने का मकसद था ये वही है कि जो लोग सऊदी, दुबई, कतर, ओमान जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि फ्लाइट 31 दिसंबर तक इंडिया की बैन थी, लेकिन जो एयर बबल सिस्टम चल रहा था फिलहाल यूके में जो था, यूके से भी बैन कर दी गई है फ्लाइट, और ओमान से भी इंडिया की आना जाना फ्लाइट बैन कर दी गई है। और एक सवाल आता है कि जिन लोगों ने सऊदी का टिकट बुक कर लिया है उनका क्या होगा। तो सऊदी अथॉरिटी ने यह भी ऐलान किया है कि जिन लोगों का टिकट बुक हो गया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टिकट मिला है आपको वो ओपन रहेगा, जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होंगी तो वो आपका टिकट रीइश्यू कर दिया जाएगा बिना किसी फाइन के या बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के।
तो वो टिकट आपका यूज में होगा, उसी टिकट से आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इंतजार करना होगा कि फ्लाइट्स कब से ओपन हो रही हैं। तो फ्लाइट्स के लिए जो भी वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा और सफर करें, एक हफ्ते तक का टाइम दिया गया है। एक हफ्ते बाद हो सकता है कि फिर कुछ नया डिसीजन लिया जाए या नई इम्प्लीमेंटेशन की जाए, किसी और तरीके की गाइडलाइंस आएंगी, तो उसके बाद सारी चीजें सामने आपके वीडियो के माध्यम से लेके आता रहूंगा। सब्सक्राइब करें बोलो चैनल को और शेयर भी करें वीडियो को, लाइक भी कर दें। चलिए मिलता हूं आपको और भी कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखना, टेक केयर, जय हिंद।